अपने हर घर के हर कोने में सरसों का तेल का दीपक जलाए, सब जगह दीपक जलाए, घर की बाहर जलाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा सरसों का तेल का दीपक। ये ऋतु परिवर्तन का समय है भाई, और ऋषियों ने ऐसे ही ये परंपरा लागू नहीं की थी। आप लाइट कर देंगे या फुलझड़ियां जला देंगे या छोटी छोटी लाइट लगा, उससे कुछ नहीं होगा। आज अपने घर में सरसों का तेल, मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल भरे और दीपक पर यूज करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, आपके छत के ऊपर, आपके घर के बाहर, घर के अंदर, सब जगह आज दीपक होना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। दूसरा, आपको संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जितने भी ऋतु परिवर्तन में, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हो रही, बारिश गई है, तो जितने छोटे मोटे कीड़े, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हमारी परंपराओं में हमारा समाधान है, इसलिए अपने घर में सब जगह, हर कोने, घर के बाहर, घर के अंदर, मुंडे पर, छत के ऊपर, सब जगह सरसों के तेल के दीपक जलाना चाहिए, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। आज दीपावली का पर्व है, ये सभी लोग जो दिन में अपने ऑफिस में पूजा करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:41 से लेकर 4:09 तक जो लोग सारे अपने कार्यालय में जिनको पूजा करनी है, ऑफिस में जिनको पूजा करनी है, उनके लिए समय है 2:41 से लेकर 4:09। इस बीच अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में पूजा करेंगे तो उनके लिए बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल और लाभकारी रहेगा। वे सभी लोग जो गृहस्थी और दीपावली पूजन रात्रि में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:15 से लेकर 9:06 तक, लेकिन पूजा 7:15 प्रारंभ हो जाए। प्रदोष बेला भी है, वृषभ लगन भी है, तुला का सूर्य और चंद्रमा भी होगा, अमृत का चौगड़िया भी है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 7:15 से लेकर 9:06 तक। ये दीपावली पूजन का समय है शाम का। मेरे कुछ मित्र रात्रि में पूजन करते हैं सिंह लगन में, और आज सिंह लगन जो दीपावली के दिन जो सिंह लगन है वो रात्रि, मध्य रात्रि 1:39 से लेकर 3:56 तक है। लेकिन साथियों, दिवाली की इस रात अमावस्या 12:42 तक की है, इसीलिए वे लोग जो रात्रि में पूजन करना चाहते, जो व्यापारी लोग रात्रि में पूजन करना चाहते, उनके पास 12 पूजा प्रारंभ करें और 12:42 पे समाप्त कर देंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पुनः ध्यान दे, वृषभ लगन में पूजन करना है, और वृषभ लगन 7:15 से लेकर 9:06 तक है, 7:15 पूजन का समय है, और ये बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दौरान आप पूजा प्रारंभ कर दे, 7:15 से लेकर रात्रि 9:06 तक दीपावली पूजन का समय, उसमें आप सारा काम, आपकी बही पूजन, गणित, गणपति पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन, खाता पूजन, या अपने धर्म स्थलों में, अपने घर में दीप प्रज्वलित करने का, ब्राह्मणों को जो आपके आश्रित हैं उन सबको दान देने का, मिठाई देने का, ये समय सबसे अच्छा माना गया है, इस बात का ध्यान रखें। नमोनारायण। मैंने आपको मुहूर्त इसलिए बताया कि आपको जानकारी हो। वैसे आप दाती गुरु मंत्र यूट्यूब पे मैंने सब कुछ डाला है, उसको आपने देखा होगा। आप दाती गुरु मंत्र जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सही शेयर करें, उससे सारी जानकारियां सबको मिलेगी। नमन।